एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किया स्टाइल। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राखी पूर्णिमा लुक। हमारे महाराष्ट्र में उसे रक्षाबंधन कहते हैं। 23 आ चुका है, सो इस साल कुछ यूनिक करते हैं। सो गेट रेडी विथ मी राखी पूर्णिमा लुक, स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट ऑपन आई क्लीन माय फेस वेट वाइप्स। आपके पास वेट वाइप्स नहीं होगा तो आप टॉवेल से भी वॉश कर सकते हैं। I used primer. Yes, this is a pocket primer. This brand is Insight. अभी नायका के साइट पे ऑफर चल रही है। 10 ml का 115 में मिल रहा और 30 ml का 260 में मिल रहा। आपको ये ब्रांड अच्छा लगता हो तो आप परचेस कर सकते हैं। This is a oil free primer है ये। ब्लर पोर्स टू क्रिएट अ स्मूथ बेस इफ़ यू ड्राई स्किन, सो लिटिल मोर क्वान्टिटी। मुझे इनसाइट के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बजट में रहते हैं और क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, नो साइड इफेक्ट, सो आई परचेज ऑल टाइम। ओवर ऑल माई स्किन 3 मेजर डार्क स्पॉट, सो आई हाइड। आई एम यूजिंग ऑरेंज करेक्टर। ये भी ब्रांड में इनसाइट का यूज़ कर रही हूँ। नायका का भी साइट पर अभी ऑफर चल रही है, 210 में पॉकेट बजट है। सो अप्लाइंग द प्रॉब्लम्स एरिया, जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट है वहाँ पे लगाना रहता है। यू यूज फिंगर ब्रश और स्पॉन्च। आई लाइक इंटेंस स्पॉन्च। वाव यार, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यू कैन बाय दिस। बट आई स्किप इनसेट ब्रांड फाउंडेशन, वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, सो मुझे पता नहीं है वो कैसा फाउंडेशन है। आई ऑलवेज यूज द मेबलिन फिट मी ब्रांड। My skin tone fair warm nude yellow, shade number is 128। वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो स्किन में जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, सो दैट आई ऑलवेज यूज। वाव यार, आई लव दिस प्रोडक्ट। सच में आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा तो एक बार यूज करो। यू चेक आउट योर स्किन टोन एंड बाय नायकास पेज। मैं साइड में एक इमेज लगा रही हूँ, आप आपका स्किन टोन चेक करके वहाँ से परचेस करो, क्योंकि नायका के पेज पे ना ऑफर रहती है। सो 350 का फाउंडेशन आपको 292 में मिल जाता है। इफ़ यू लाइक सो दैट बाय द प्रोडक्ट। फाउंडेशन लगाने के बाद ट्रांसल्यूसेंट पाउडर या बनाना पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं CTP Pro HD ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसकी प्राइस है 467। मिडल क्लास गर्ल्स के लिए थोड़ा कॉस्टली है, एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत कॉस्टली है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। सो स्किन के साथ नो रिस्क, इसीलिए मैंने वो परचेस किया है। सच में बहुत अच्छा ट्रांसल्यूशन पाउडर है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, आपको जो अच्छा लगता है, आपके स्किन टोन पर जो सूट करता है वही यूज़ करो। अगेन मैं ब्लश के लिए इनसाइट ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ। पॉकेट प्राइस है ओनली 80 rupees। इसमें 6 शेड अवेलेबल है, सो क्रीम बेस्ड में आता है ये। मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा ब्लश ही अच्छा लगता है और लिपस्टिक और काजल। ये ने लगाए तो मेकअप इनकम्प्लीट जैसा लगता है, ब्लश लगाना तो बनता है ना यार। आई शेडो के लिए मैं डिलेंसी की किट यूज़ कर रही हूँ। उसकी प्राइस 2000 है। सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन का कलर से क्रीज लाइन कर लिया है। आपके पास जो भी ब्रश है उसी से आप आई शेडो लगा सकते हो, नहीं होगा तो आप फिंगर से भी लगा सकते हो। आपको वो आना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ होने के बाद ही मेकअप अच्छा लगता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो भी है आपके पास उसी से भी अच्छा हो जाता है। मैं इनर कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क येल्लो शेड लगा रही हूँ। इसमें जो किट में जो नाम है वो उनके प्रोफेशनल नेम है। मेरा ड्रेस येल्लो है, इसीलिए मैं थोड़ा सा येल्लो टोन देना चाहती हूँ। और बीच में थोड़ा सा मैं सिमर कलर लगा रही हूँ। 3 कलर यूज़ करके मैंने ये आई शेडो बना है। सच में बहुत अच्छा बना है। आपको नहीं आता होगा, बिगनर से तो आप ऐसे ट्राई करो, सच में बहुत अच्छा बनता है। प्रैक्टिस से ही आता है, तो एक बार ट्राई करके देखो। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे ब्रांड का। 293 ऑफर अभी चल रहा है नायका के पेज पे, सो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। दिस ओरिजिनल प्राइस 325 में आता है। जब नायका में सेल रहते हैं तो
यू कैन बाय दिस लिपस्टिक। मुझे लैक्मे ब्रांड भी अच्छा लगता है, उसके लिपस्टिक भी अच्छे लगते हैं। शुगर का भी अच्छा है लिपस्टिक, लेकिन मेरे पास लैक्मे का ही है सो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं आइकॉनिक काजल है थोड़ा सा वो लगा रही हूँ, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है इसीलिए मैं थोड़ा डार्क ही लगाती हूँ ऑलवेज। स्केच पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड लाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, मुझे इतना पसंद नहीं है लिक्विड लाइनर इसीलिए मैं पेन लाइनर ही यूज़ कर रही हूँ। आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा लाइनर मिडल से ही स्टार्ट करती हूँ, मुझे पता नहीं वहाँ से कंफर्टेबल हूँ इसीलिए मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। ओ कंप्लीट माय आई लुक आप देख सकते हो। मैंने मोबाइल में ज़्यादा फिल्टर यूज़ नहीं किया है, ये जो मेकअप बना है ओरिजिनली है। आप देख सकते हो मेरा मेकअप कैसा बना है। यदि आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई करो, और ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल माई डियर ऑल फ्रेंड्स।